अरे नाम का बताए यहाँ तो ना ठेला जा रहे नाटा दिया का करे छप्पर पर रह रहे हैं लोग छप्पर पर रह रहे हाँ अच्छा ये पानी आपका पूरा घर डुबा दिया हाँ हाँ बहुत तो पा गया है। नमस्कार आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ काव्या। गंगा मैया अपने विकराल रूप पे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है वो पानी जो है वो है, लोग किस तरीके से पानी में नहा रहे, अपने जान को जोखिम में डालकर जो है पानी में गए हुए हैं, नहा रहे हैं, चाहे वो छोटे छोटे बच्चे हों या फिर बड़े लोग, सभी लोग जो है इस पानी में जान को जोखिम में डालकर जो है जा रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे, आगे की तस्वीरें भी दिखाएंगे, आप नाव देख सकते होंगे और किस तरीके से लोग जो है इस नाव से कहाँ जा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जा कहाँ रहे हैं, कहाँ रहते थे, इनका घर उजर गया है। नाम बताइएगा। अरे नाम का बताइए तो नाव जा रहे नाटा दिया नियर में जा रहे हाँ। तो वहाँ तो बाहर पानी नहीं है, सब पानी है, सब घर में पानी हम आ गया, तो फिर वहीं क्यों जा रहे हैं, क्या करे छप्पर पर रह रहे हैं लोग, छप्पर पर रह हाँ। अच्छा ये सभी लोग जो है वो छप्पर पर हाँ, छप्पर पर चौकी पर सरिया के रह रहा है और क्या अच्छा, कर रहा है। बात बताइए हमें, आप अभी कहाँ जा रहे हैं, जगह बताइए। घर हमारा वही नक्टे दिया रहे तो घरे जाएंगे, तो यहाँ क्यों आए थे, अब बाजार कमाए धमाए साग सब्जी चावल दाल नहीं ले जाएंगे तो खाएंगे क्या चीज, इसलिए यहाँ पे आए। हाँ इसीलिए आप देख सकते होंगे कि इस नाव पे गाड़ी है और तमाम चीज, काफी लोग जो है वो मौजूद है और तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से नाव जो है वो चल रही है, लोग उस पे सवार भी हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, लोगों के आशियाने जो है वो उजर चुके हैं। हम तमाम तस्वीरें, ये पानी का जो जल सैलाब उमर पड़ा है वो आप देख पा रहे होंगे और काफी जो है इसमें प्रेशर है, वेग है और लगातार लगातार पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे भी काफी पानी है, इन तमाम तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। इस नाव पे जो लोग हैं हम उनसे भी जानेंगे और उनसे भी समझेंगे कि आखिर जा कहाँ रहे, इनका घर कहाँ था, और तमाम तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखाएंगे। नाम बताइएगा भैया। विशाल कुमार। कहाँ जा रहे हैं? दीघा। दीघा जा रहे हैं? दीघा से दियर जा रहे हैं। अच्छा दियर में तो हम सुनते हैं और पानी रहता है। हाँ पानी रहता है। फिर वहाँ जाने का क्या मतलब है? सब आदमी कमा के जा रहा है, घर है तो जा रहा है, घर इधर पट्टी नहीं है, दियर में घर है। तो इधर क्यों आए थे? कमाने आए थे, कमाने आए थे, सामान लेने आए थे और अब जा रहे हैं। हाँ। दावा हुआ। देखिए आप देख सकते होंगे कि सांप भी इस पानी में हमें दिखाई दे रहा है। और चाचा इधर आ जाइएगा थोड़ा, कहाँ के हैं चाचा? बहुत दूर के। बहुत दूर के, अब इधर से कहाँ चलेंगे जाएंगे बताइए? वहीं जा रहे हैं घर पर। घर जाएंगे? अच्छा ये पानी आपका पूरा घर डुबा दिया? हाँ हाँ बहुत तो पा गया है, काफी दुख है। हाँ बहुत दुख है। आप यहाँ से जब घर जाएगा वहाँ भी पानी है और यहाँ से आप कमा के जा रहे हैं उस साइड, और वहाँ बाल बच्चा तो है, बाल बच्चा सब लोग वहीं पे। हाँ हाँ उसी स्थिति में। हाँ वही स्थिति देरा में जा रहे हैं, इनका कहना है। आप नाव पे देख सकते होंगे साइकिल है, गाड़ी है, लोग भी सवार हैं इस पे और काफी चीजें हैं। इनका कहना है कि ये देरा जा रहे हैं, उनका घर भी वहीं पे है, पानी है, लेकिन फिर भी इनकी ज़िंदगी कितने खतरे से गुजरती है वो तमाम आपने सुना भी होगा वीडियो में, जैसा कि इन लोगों ने कहा है नाव से ये लोग देहरा जा रहे हैं और वहीं पे रहेंगे। यहाँ पे ये कमाने आए थे, मजदूरी करने आए थे और फिर ये अपने घर की ओर लौट रहे हैं। बाढ़ की ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से दिघा घाट की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पे पानी दूर दूर तक अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और भी आप देख सकते होंगे कि उस साइड से एक नाव जो है वो आ रहा है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। वहीं हम आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे जहां एक छोटा सा बच्चा पानी भर रहा है, जान को जोखिम में डाल के, हालांकि लोगों को तैरने आता है लेकिन पानी का बहाव जो है वो काफ़ी प्रेशर में है, जिस वजह से लोग अपनी जान को जोखिम में भी डाल के ये सारे काम जो है वो कर रहे हैं। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे भी काफ़ी पानी है और नाव से लोग उधर से इधर आ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। तमाम तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम
और भी लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, कह सकते हैं कि वो मस्ती कर रहे हैं, लेकिन उनके जान को काफी खतरा है इस पानी में। तो चलिए, और भी कुछ लोग हैं जो उस पार जाने वाले हैं। जब हम यहाँ आए तो पता चला घाट पे यहाँ पे लोग खड़े नाव आ रहा है और उस पार जाएंगे ये लोग। नाम बताइएगा अपना। मेरा बबलू कुमार नाम है। कहाँ के? नकटा देर, नया पना पुनौदेरी। अच्छा, वहाँ पे बाढ़ है, पानी है? हाँ, पानी तो है, बहुत हो गया है। फिर भी आप लोग उधर जा रहे हैं? काम करने आना पड़ता है ना, रोज आते हैं काम? जी, जी, क्या जी। करते हैं आप? काम करते हैं, अपना ठेकेदारी उदारी करते हैं। यही काम करते हैं और रोज नाव से आते हैं और नाव से जाते भी हैं? जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, बाढ़ से जिंदगी काफी अस्त व्यस्त और तबाह हो जाती है? तबाह हो जाता है, एक दो महीना के लिए बहुत तबाही हो जाता है। एक दो महीना? ये हर साल का? हर साल का, हर साल ऐसा होना ही है? होना ही। और घर में पानी घुस जाता होगा? हाँ, हाँ, लोग रहते कहाँ हैं? अगर घर में पानी घुस गया तो? घर में घुस जाता है तो करकट पर, जो घर आता है छत पर, खप्पर के खरपट पर, उस पर चल जाते हैं, और क्या। अच्छा, एक अभी बारिश भी हो रहा है, अगर आप छत पे जाएंगे तो ऊपर से भी बारिश आएगा? तो बारिश आएगा तो रात भर बारिश में हम लोग भीज कर समय गुजारते हैं। रात भर बारिश में समय गुजारते हैं। बाढ़ की तस्वीरें काफी दर्दनाक होती हैं। लोग बाढ़ में, अगर घर में पानी घुस जाता है तो छत पे जाते हैं और छत पे ऊपर से बारिश होती है। आप बताइएगा कहाँ जाना है? जी, हम तो ऐसे ही देखने आए थे, हम पटना जा रहे हैं बस। अच्छा, आप दर्शक हैं? जी हाँ, दर्शक ही हैं। हम दोनों साथ में जा रहे थे। बढ़िया है, हम और भी लोगों से जानेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? दियर। दियर जाइएगा, यहाँ क्या करने आए थे? काम करके आ रहे हैं, दियर जाएंगे। क्या करते हैं? राजमिस्त्री जो काम करते हैं, मजदूर हैं, और क्या है? मजदूर हैं। घर में पानी घुस गया होगा? हाँ, पानी तो घुसता है। घुसता है? हाँ, तो वही चाली उली पर अपना व्यवस्था होता है। आपकी पत्नी बच्चे सब उसी बाढ़ में सब, हैं? हाँ, सब टोटल। जिंदगी काफी मुश्किल होती हो क्योंकि बाढ़ में सांप है और सारे जानवर हैं जो आ जाते हैं, दिक्कत होता है, मलेरिया डेंगू सब चीज होता है। आखिर को होता है तो मैम क्या करें, हम लोग जानते नहीं, दे सकते सरकार से क्या कहेंगे? ये चाहते हैं कि हम लोग सरकार की तरफ से सुविधा मिलता तो बढ़िया होता, और क्या चाहेंगे हम लोग, और काफी चाहेंगे। अभी आप नाव से घर जाइएगा? हाँ, है ना। हाँ, चलिए, अब बढ़िया है। अभी सरकार तो हम लोग को आने जाने के लिए। जी जी जी। और भी कुछ लोग हैं जो नाव से उस पार से इस पार आए हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? उस साइड से आ रहे हैं आप? हाँ, नदी को तरफ से आ रहे हैं। क्या करने गए थे वहाँ? मेरा एक श्रद्धा क्रम था भतीजा का। जी, उस काम से उस साइड पानी बहुत ज्यादा होगा, कैसी है उधर की जिंदगी? उधर की जिंदगी बहुत खराब चल रहा है। बहुत खराब है? बहुत खराब चल रहा है। गौ माल मवेशी के माने दिक्कत हो गया है, सब माने पानी में खड़ा है। हाँ, आवागमन बहुत काफी दिक्कत है। अच्छा, एक बात बताइएगा, बाढ़ एक ऐसी त्रासदी होती है जिसके बाद जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है, क्या करने उधर गए थे आप? हम गए थे दियारा में, एक पोता डेट कर गया था। जी, जी, पूरा पानी हो गया गाँव में। हम लोग घर पर भराव पर बैठ के जो कार्यक्रम सब किए हैं। हुए से आ रहे हैं, पूरा नकटा दियारा दहा रहा। अच्छा, इसके बाद अब सरकार से क्या कहिएगा, क्योंकि बाढ़ तो हर साल आता है, बहना हर साल? हर साल नहीं आता है, हर साल आता है। तो सरकार से हम लोग यही कहेंगे कि बढ़िया पुल उल बना देवे हम लोग को सुरक्षा के लिए। जी जी। और यही हमारा कहना है आपका, अभी तत्काल व्यवस्था करे, गरीबों की व्यवस्था, राहत के व्यवस्था करे, और माल जाल के जो अति हो रहा है, क्षति हो रहा है, खाने पीने के लिए नहीं है, उनका व्यवस्था किया जाए। नकटा दियारा में जो जो लोग अभी हैं, उनको अभी अति में पानी से इधर उधर जा नहीं रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा सुनिए, हम हैं काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, हर नाव के ऊपर एक सेकंड सेफ्टी जो है वो होना चाहिए। हाँ, सेफ्टी। चलिए, कहाँ से आ रही हैं आप बताइएगा? सेफ्टी कहाँ से आ रही? ऊपर टी से। क्या करने गई थी उधर? उधर बड़े पापा का एक बेटा डेट कर गए थे, उन्हीं पे गए थे। तो आप लोग सब परिवार एक ही जगह गए थे? हाँ हाँ। उधर की जिंदगी कैसे है? आप महिला हैं, काफी दिक्कत होता होगा? पानी बहुत है, बहुत पानी। हाँ, और नाव से जाना आना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, हम लोग कभी कभी जाते हैं उधर, आदमी का दिक्कत होता होगा जहाँ यहाँ पर काम करके जाते होंगे लोग। जी जी। और भी कुछ महिला हैं, कहाँ से आ रही हैं चाची? ऊपर से आ रही हैं। ऊपर से क्या करने गई थी उस साइड? गाँव में श्राद्ध था। श्राद्ध था, मतलब श्राद्ध क्रम में आप लोग सब लोग गए थे? हाँ हाँ, श्राद्ध। अच्छा, उधर की जिंदगी कैसी है? महिला है आप लोग, बताइए।
पानी घर में सब घुस रहा है धीरे धीरे। घुस रहा है घर में। हाँ। लोग छत पे रहने को मजबूर हैं। हाँ, चौकी पर सब रहेगा अपना कई काल करके। बहुत दिक्कत है उधर। हाँ, दिक्कत है बहुत। तो जाके देख लीजिए। बहुत दिक्कत है। बहुत। चलिए हम और भी। पिल्लू पता है घर में घुस रहा है। सांप वहाँ पे। हाँ, सांप भी है एकदम। पूरा एकदम चूटी काट लिया भर दे है एकदम। हाँ, पूरा वो घोड़ी है। चलिए तो और भी कुछ लोग हैं, चाचा आ रहे हैं, हम उनसे भी जानेंगे। कहाँ गए थे चाचा उधर? हम लोग दियारा क्षेत्र में गए थे। दियारा क्षेत्र में क्या करने गए थे? अभी तो उधर पूरा पानी पानी भरा पड़ा। हाँ, तो वहाँ एक कारज था, वो लड़का डेट कर गया था, उसी को वही काम करने गए थे। हाँ, हाँ। अच्छा, एक बात बताइए हमें, सरकार तो काम करती ही है, लेकिन इस तरीके से इसके लिए क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट को क्या सुझाव देंगे? अरे, पुल इसमें चाहिए था। पुल चाहिए था। हाँ। अच्छा, जेपी सेतु है, उससे कुछ कोई लाभ नहीं हम लोगों को? कोई लाभ नहीं है इस उत्तरी बिहार के लिए, यहाँ के लिए कोई लाभ नहीं है। जेपी सेतु से आप लोगों को कोई लाभ? कोई लाभ नहीं है हम लोगों को। सरकार कुछ भी नहीं कर पा रहा है। कुछ नहीं कर पा रहा है। ना। अच्छा, उधर राहत का काम चल रहा है सरकार की ओर से बाढ़ में? कुछ ना, कुछ नहीं। कोई काम नहीं चल? कुछ नहीं चल रहा है। कोई काम नहीं चल? कोई नहीं। अच्छा, आप पुल के बारे में बोल रहे थे, क्या है पुल का? पुल एक बन जाता तो ये नाव ही साधन है। दानापुर पीपा पुल है तो वो भी मैंने 6 महीना रहता है, 6 महीना खुल जाता है, पानी आने के बाद खुल जाता है। अच्छा, अच्छा, ये जेपी सेतु और गांधी सेतु दो है इस गंगा नदी पे, दो पुल मेरी जानकारी में है, चलता भी है, इसका कोई फायदा नहीं है दियारा? इससे दियारा का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं? आप बताइए, कोई फायदा नहीं है इस पुल का? देखिए सामना, जेपी सेतु के बगल में समानांतर एक पुल बन रहा है। जी जी, समझे कि नहीं? उसमें ऐसे हम लोग सुन रहे हैं कि उसका अप्रोच रोड दियारा में गिराएगा। जी जी, जब अप्रोच रोड गिर जाएगा तब कुछ दियारा लोगों को कुछ राहत मिलेगा। हाँ, आने जाने के लिए या जो भी है सब होगा। फिलहाल तो जिंदगियां कष्ट काट रही है ना? बहुत कष्ट में है, बहुत कष्ट में। सरकार की ओर से कुछ राहत? राहत अभी, राहत कार्य नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं। तो ये है उस साइड के दियारा की कहानी। हालांकि ये लोग इधर के ही थे, लेकिन उधर गए थे किसी कार्यक्रम में, और वहां से आने के बाद हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई है कि किस तरीके से उधर की जिंदगी जो है वो कैसी हो रखी है। हालांकि पानी का लेवल गंगा मैया अपने लाल निशान से ऊपर बह रही हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं तमाम, चाहे वो कल का NIT घाट हो, काली घाट हो, तमाम तस्वीरें हमने आपको अपने चैनल से दिखाया है। और ये एक और तस्वीरें देघा घाट की है, जहाँ पे लोग उस पार से आते हो, हमने बातचीत भी किया उन लोगों से और जाना है कि जिंदगी कैसी है, बीच बचाओ और राहत बचाओ का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।